आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बारे में। फाइनली इतने समय के बाद ग्लोबल एनकैप ने मारुति सुजुकी स्विफ्ट का क्रैश टेस्ट कर ही दिया है, जिसमें मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने एडल्ट सेफ्टी में स्कोर किए हैं 1 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में स्कोर किया है 1 स्टार, जो बहुत ही ज्यादा खराब है। एडल्ट सेफ्टी में इसे 34 पॉइंट्स में से 19.19 मिले हैं, जो बहुत ही ज्यादा कम है, और चाइल्ड सेफ्टी में इसे 49 पॉइंट में से 16.68 पॉइंट मिले हैं। अब इसके कई बड़े रीजंस है, जैसे मारुति सुजुकी स्विफ्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फीचर नहीं मिलता है बेस मॉडल में, और आपको चाइल्ड सीट माउंटिंग भी नहीं मिलता है बेस मॉडल में। इसी के साथ आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी नहीं मिलता है। इसी के साथ मारुति सुजुकी स्विफ्ट की बॉडी फेमस ही इसलिए है कि उसमें किस तरीके का लोहा यूज किया जाता है, और इन सब कमियों को मिला के इसमें आपको 1 स्टार मिलता है। अगर इसके टॉप मॉडल का क्रैश टेस्ट किया जाए तो हो सकता है कि ये 2 से 3 स्टार भी लेके आ जाए, क्योंकि उसमें आपको कई इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसी के साथ उसमें आपको एयरबैग की संख्या भी बढ़ जाती है, और आपको उसमें 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिल जाता है और चाइल्ड सीट माउंटिंग भी मिल जाता है, जिससे ये एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी में दोनों में ही 2 से 3 स्टार हो सकता है कि इसको मिल जाए। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका क्या मानना है, मारुति को बिल्ड क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं।